प्रदेश में आपदा के इस संकट के बीच कीरतपुर मनाली फोर लेन पर मंडी के हड़ोगी और झलोगी के बीच फोर लेन के लिए बनी 5 टनल लोगों के बीच को के लिए वरदान साबित हो रही है। इन 5 टनलों का निर्माण अगर पूरा नहीं हुआ होता और इन्हें यातायात के लिए शुरू न किया गया होता तो शायद आज कुल्लू मनाली के लोग काले पानी की सजा भुगत रहे होते। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेस नाला से लेकर झलोगी तक पुराना हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहां हाईवे का नामो निशान ही मिट गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते 20 मई को हड़ोगी से झलोगी तक बनी 5 टनलों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया था। केंद्र सरकार ने ये निर्णय टूरिस्ट और बरसाती मौसम को ध्यान में रखकर लिया था। सरकार के इस निर्णय की आज लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अगर टनलें न खुली होती तो आज वो आवागमन से पूरी तरह से महरूम हो जाते और कुल्लू मनाली भी पूरी तरह से कट जाता। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया है। ये जो 9 तारीख को बाढ़ आई ऊपर से, तो अगर ये टनलें नहीं बनी होती तो ये तो मतलब कुल्लू से मंडी बिल्कुल कटी हो जाता, लगभग 1 साल लग जाती इस चीज में उभरने में। तो द्वाड्डा से आगे को लगभग 100-100 मीटर रोड बिल्कुल ही कट हो गई है। नहीं, NH तो बनना चाहिए सर, जो NH है वो तो जरूरी है ना। पर अगर ये, मैं धन्यवाद करता हूँ नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने जो ये जो टनलें तैयार करके दी, जिससे चलो लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लोग अंदर से जा रहे हैं। 9 तारीख को बाढ़ आने के कारण द्वाड्डा से आपका झलोगी तक का सारा रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण आवाजाही बहुत ही कम हो चुकी है और 100 मीटर का पूरा रोड गायब हो चुका है। यदि ये टनल ना बनते तो मंडी से मनाली का सफ़र बहुत ही ख़राब रहता है। जो 9 तारीख को जो बाढ़ आई थी उससे हमारे लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। पंडो में देखो निचला वाला बाजार ख़त्म है और आगे 7 मील भी ख़त्म है और पीछे फ्लॉट जो हमारा, जो हम पहले भी पानी चढ़ता था, बहुत कम चढ़ता था, पर इस बार वहाँ रोड ही नहीं रहा। पूरा कम से कम 200-300 मीटर, 400 मीटर है, वो रोड ही नहीं है। और आगे झलोगी के पास भी स्लाइड हो गया और जो टनल बनी है ये टनल तैयार नहीं होती हुई तो आज हमारा ये मंडी से कुल्लू का क्षेत्र इतनी बुरी हालत में होता कि हमको जाना ना पड़ता, कहीं नहीं जा सकते थे, हम निकल ही नहीं सकते थे ना। जो हमारे खाने की व्यवस्था नहीं होनी थी, ज्यादा राशन जो आता है पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो नहीं पहुँच पाना था हमारे पास। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केंद्र सरकार का, जिन्होंने इस टनल का निर्माण बहुत जल्द किया और आज हमें इस टनल का इतना फायदा हुआ है कि हमारे लोग आज खाना तो खा सकते हैं। हमारे पास पहुँचा राशन, पहुँचा हर चीज़ पहुँची। और मैं हिमाचल सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ, जो हमारा पंडो का क्षेत्र इतना प्रभावित हुआ है, उनके लिए भी कुछ यहाँ करें। तो इससे जो ये जो क्षतिग्रस्त रोड जो हुआ है, अगर फोर लेन का जो अंदर हनोगी से आपका जो टनल निकला हुआ है अगर वो नहीं होता तो आगे की जो कनेक्टिविटी है थलौट की, ओट की और आगे मनाली की, वो पूरी तरह से 4-5 महीने के लिए जो है पूरा आवाजाही जो है ठप होती। तो लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का, जिन्होंने जो है इसके लिए मतलब तुरंत एक्शन के लिए कहा है प्रशासन को और अपनी हिमाचल सरकार को। और ये जो फोर लेन है इससे हमको बहुत सुलित हुई है, जो टनल बने हुए हैं इससे जो हमारी कनेक्टिविटी है जो चली हुई है मतलब इससे। वहीं PWD विभाग पुराने हाईवे को भी बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है। विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया है कि जल्दी क्षतिग्रस्त हाईवे पर DPR बनाकर NHAI को दी जाएगी और हाईवे की मरम्मत का काम पूरा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।